ये भाई अपनी स्प्लेंडर है यार, कितने दिन बाद देख रहा हूँ भाई इसको आज। इसकी भाई वायरिंग चल रही है, यहाँ से कैसे चली भाई ये देख रहे हो, इसकी वायरिंग चल रही है भाई। और भाई टायर में हवा भी नहीं है भाई, टायर पूरा बैठा पड़ा है भाई। फाइनली अपनी बाइक में ना फॉल्ट पा चुका है भाई, हवा निकल रही है देखो। इस कौन सी बैटरी में, ये लोकल है ये ओरिजिनल है अपना कालू। ये सही हो गया, अब अपने टायर में अब हवा नहीं निकलेगी। ये अपने ना लाइट चेंज करनी पड़ेगी यार, देखिए बुलेट का जो इंजन है वो भाई आ चुका है। पहले इसको ना वॉश करेंगे भाई पेट्रोल से। अरे गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो भाई बाहर ना आज एक बहुत तगड़ी चीज खड़ी है, तो जल्दी से ना बाहर चल के एक बार दिखाता हूँ, है ना, तुम भी देख के हैरान हो जाओ भाई सच में। तो भाई अपनी जो चीज है ना, ये ला भाई पहचान में आ रही है क्या है ये भाई, अपनी स्प्लेंडर है यार, कितने दिन बाद देख रहा हूँ भाई इसको आज। और भाई सुबह सबसे पहले उठ के मैंने यही काम किया, मैंने कहा यार आज ना स्प्लेंडर वॉश करनी है भाई बढ़िया साफ सुथरी करके, और फिर इसमें जो दिक्कत आ रही है ना, जो स्टार्ट नहीं हो रही वो देखते हैं। पहले एक बार इसकी चाबी ले आता हूँ भाई, चाबी इसकी मैं अंदर ही भूल के आ गया। आज इसको एक बार स्टार्ट करेंगे, देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, अपने पे ठीक होगी तो ठीक है, वरना इसको ले जाना पड़ेगा मिस्त्री के, मिस्त्री ठीक कराएंगे। और भाई टायर में हवा भी नहीं है भाई, ये देख रहे हो टायर पूरा बैठा पड़ा है ना, देखो टायर में हवा बिल्कुल जीरो है। और भाई पंप से भी इसमें हवा नहीं भरेगी, हमें ना एक बार पंचर वाले के पास ही लेके जाना पड़ेगा, पता क्यों, क्योंकि ना ये जो टायर है ये मैंने ट्यूबलेस बनवा रखे भाई, ये देखो ये ट्यूबलेस मैंने बनवा रखे है, वैसे तो है बट ये अलॉय है मेरे यहाँ से थोड़े खराब हो रखे है, तो ट्यूबलेस टायर इनमें बढ़िया फिट होता नहीं है, मतलब पकड़ नहीं करता साइड साइड में, तो मैंने ना थोड़ा जुगाड़बाजी करवा के ट्यूबलेस करा रखे है। तो उनपे ना हाई प्रेशर होता है, हवा वाला हाई प्रेशर होता है, तो वो ही हवा भरता है इसमें, तो इस चक्कर में वही हवा भरेगी। तो भाई पहले इसकी ना एक बार चाबी ले आता हूँ, चाबी ला के इसको स्टार्ट करके देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, और स्टार्ट हो जाती है तो ठीक है, वरना मिस्त्री के ले जाएंगे फिर, है ना। एक बार चाबी लेके आ जाता हूँ भाई, क्या साइन मार रही है, पेंट देख रहे हो ये भाई, वहीं पे मैंने पेंट कराया था जहाँ पे अपने बुलेट में कल छोड़ के आया ना, वहीं पे ये पेंट हुआ है। और भाई पेंट की क्वालिटी देख लो तुम, 3 साल हो गए भाई, ये देखो थोड़ा मोड़ा ना यार, देखो यहाँ से जैसे यहाँ पे पेंट हट रहा है, थोड़ी मोड़ी चीज ना हो जाती है, क्योंकि सर्विस वगैरह करवाते टाइम ना थोड़ा बहुत मतलब चाबी वगैरह लग जाती है तो पेंट हट जाता है, बट इन सबसे कोई दिक्कत नहीं है, ये दोबारा टचिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। पर पेंट की क्वालिटी देखो भाई, ये देख रहे हो क्या साइन मार रहे हो, ये देखो भाई। और एक चीज और यार, अपने अलॉय है ना ये सिल्वर कराने की सोच रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताना भाई ये सिल्वर अच्छे लगेंगे या अपना जेड ब्लैक ही सही लग रहा है। सिल्वर कराने का मन कर रहा है मेरा, पर आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना भाई कि सिल्वर अच्छे लगेंगे या ब्लैक ही सही है अपने, है ना। और देख रहे हो साइन भाई तगड़ी लग रही है, मस्त सच बता रहा हूँ, नजर ना लगे। और भाई ये रूट्स के हॉर्न है ना जो अपने, इनको हटा देते हैं एक बार ना, इनके बगैर चलाएंगे कुछ दिन, थोड़ी सही सी लगेगी, है ना, क्योंकि यार ये खराब भी हो रखे है, चेंज कराने पड़ेंगे, और इनकी साउंड है ना जो वो खराब हो रही है थोड़ी, तो इनको भी ना चेंज कराएंगे, बट देखेंगे पहले इसको स्टार्ट करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, है ना, वो करते हैं फिर होगा अपना आगे का प्रोसेस। और डोडो भाई देखो कैसे पड़ा, सो रहा है देखो उठ गया अरे डोडो भाई मजे आ रहे तेरे तो जिंदगी के। BS6 निकाली भाई अपनी, है ना, बुलेट का जो भी सामान है ना टोटली इस पे आएगा, इस चक्कर में निकाल ली, और ये पड़ी अपनी बेचारी बुलेट, हाय हाय कैसे पड़ी बेचारी कोई नहीं भाई। और यार मैं ना ये सोच रहा हूँ आज अपना जो इंजन है इसको भाई बफिंग करा लेते हैं अभी, है ना, क्योंकि अभी इंजन खुला हुआ है, बढ़िया बफिंग हो जाएगी पूरे इंजन पे, जब इंजन फिट हो जाएगा ना फ्रेम में तब इस पे बफिंग होगी नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ भाई अभी इस पे बफिंग वगैरह करा लेते हैं ना, सही रहेगा। और हेड पे भी मैं सोच रहा हूँ पेंट करा लेते, वैसे तो हेड की कंडीशन सही है बट मैं सोच रहा हूँ पेंट करा लेते इस पे, तो देखेंगे भाई ये सब, है ना। आज काम तो देखो मेरे को बहुत है, सारा इंजन वॉश करना है बढ़िया साफ सुथरा करके, फिर इसको बफिंग पे ले जाएंगे, और जितने भी पार्ट है ना जितने भी खुले हैं बुलेट से ये सारे भाई एकदम साफ सुथरे करके रखने हैं, है ना, क्योंकि जब अपनी बुलेट असेंबल होगी ना तब अपने सही लगेंगे, है ना, चीज हटके तब अगर साफ करते हैं ना तो बढ़िया साफ हो जाती है, अच्छी भी लगती है। तो काम तो आज बहुत है, पर पहले ना अपनी स्प्लेंडर को चालू करते हैं भाई, क्योंकि अपने पास बाइक नहीं है अभी घूमने फिरने के लिए, है ना, वैसे तो है अपनी BS6 पर स्प्लेंडर भी सही है यार, चलानी तो चाहिए, खराब हो जाएगी भाई खड़ी खड़ी, है ना, तो चाबी ले आते हैं एक बार उसके अंदर से और फिर उसको चालू करते भाई आज जल्दी। चलो भाई चाबी है स्प्लेंडर की अपनी, है ना, बहुत दिन में हाथ में ली है, आज करते हैं अपने स्प्लेंडर को चालू। ला भाई लगाओ उसमें चाबी ऑन, और देखो अब ऑन ऑफ का सिस्टम भाई, तो पता इससे मैं पटाखे फोड़ता हूँ इससे ना कभी कभी, ये देखो, बट पटाखे वगैरह यार ज्यादा नहीं फोड़ने चाहिए, क्योंकि इनका इंजन है ना जो वो यार बहुत हल्का है भाई, जल्दी खराब होते हैं, बुलेट वगैरह तो थोड़ी झेल काटते हैं बट ये नहीं काटेगा, ये पता नहीं क्या दिक्कत है यार, स्टार्ट ही नहीं हो रही, चौक उठा दिए देखो, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही भाई इसमें, एक बार ना यार मैं देख लेता हूँ भाई, है ना, फिर आपको जब इसकी बीमारी पता लग जाएगी ना फिर आपको बताऊंगा, ठीक है, पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैसे स्टार्ट नहीं हो रही, क्या दिक्कत है क्या नहीं, ओके। 5 minutes later तो भाई काफी टाइम मेहनत करने के बाद अपनी स्प्लेंडर में भाई प्रॉब्लम पा गई हमको, ये देखो भाई इसकी भाई वायरिंग चल रही है, यहाँ से कैसे चली भाई ये देख रहे हो, इसकी वायरिंग चल रही है भाई,
इसको ना एक बार खोलते हैं। ये देख रहे हो वायरिंग चली हुई है भाई इसकी, देखो ये सब तार अटे पड़े हैं, इनकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही है। ओ भाई ये चल रही है यार, यार भाई वायरिंग ना चेंज ही करानी पड़ेगी अपनी स्प्लेंडर की, क्योंकि देखो वायरिंग जली वाली ना सही नहीं रहती, क्योंकि आग लगने का ना खतरा रहता है। और यहीं पे देखो टंकी भी है भाई, है ना, पेट्रोल होता ना इसमें। तो भाई वायरिंग ना अपनी स्प्लेंडर की चेंज ही कराएंगे, क्योंकि ये बहुत गलत जगह से खराब हुई है, कहीं और से खराब होती तो चल जाता, यहाँ से ना ये बहुत गलत खराब हुई है भाई, ये नहीं चलेगी भाई। वायरिंग तो अपनी चेंज करनी पड़ेगी भाई, बात नहीं बनेगी ऐसे। देखना कौन से चली है भाई, देखो वहां से चल जाती है, उधर से कहीं से चल जाती है, भाई चल जाता है। यहाँ से चली है यार, यहाँ से आग वाग लग गई भाई टंकी में, है ना, दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। तो भाई एक बार ना इसके तार वगैरह एक बार मैं जोड़ के और स्टार्ट करके देखता हूँ, यही प्रॉब्लम है या कोई और ही प्रॉब्लम है। मेरे को तो लग रहा है भाई यही प्रॉब्लम है, बट एक बार ना मैं देख लेता हूँ, है ना, चेक कर लेता हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा। ओके फाइनली भाई अपनी स्प्लेंडर जो स्टार्ट हो चुकी है भाई, है ना, मैंने तुम्हें दिखाई थी ना इसमें इधर वायरिंग कट रही है, अभी दिखाई थी ना मैंने, फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो भाई ये वायरिंग इसकी कटी हुई है यार, ये मैंने अभी थोड़ा जुगाड़ चला रखा है, बट इसकी वायरिंग ना चेंज ही करेंगे भाई, है ना, वायरिंग इसकी नई डलवाएंगे, जेन्युइन ओरिजिनल एजेंसी से लेके आएंगे ना। ये ला भाई एक एक में स्टार्ट, भाई बहुत दिन में स्टार्ट हो रही है, अगर चलाते इसको है ना थोड़ा गर्म होने देते पहले, है ना, क्योंकि एकदम चलाने में ना सही नहीं होता भाई, एकदम चलाना थोड़ा इंजन हीट होएगा ना सही रहेगा। ला भाई स्टार्ट, भाई थोड़ी देर के लिए ना अपने स्प्लेंडर को ऐसे ही छोड़ देते हैं स्टार्ट, थोड़ी हीट हो जाएगी सही हो जाएगी, है ना। इतना मैं अपना टूल रख जाता हूँ अंदर, इसको छोड़ देते हैं स्टार्ट। ला भाई अपनी स्प्लेंडर भाई अब भी स्टार्ट ही खड़ी है ना, अभी छोड़ के गए थे ना स्टार्ट हम, इसको अब भी स्टार्ट ही है। तो इसकी थोड़ी एक गेड़ी मारते फिर देखते हैं कैसे चल रही है इतने दिन बाद, है ना। वैसे तो साउंड वाउंड तो भाई सही है, मस्त, इंजन से कोई साउंड नहीं है। करो जी बैक। ला भाई पहले यार भाई टायर में हवा भरवाने, है ना, टायर में हवा भरवा के फिर आते घर, फिर अपना ना जो बुलेट का सामान पड़ा है उसको साफ सफाई करनी है भाई उसकी, अभी तुम्हें बताया था ना पीछे उसकी सारी की साफ सफाई करनी है। तो पहले ना इसकी हवा भरवा के लिए आते हैं टायर में और अपना फिर बुलेट का सामान साफ करेंगे, है ना। या वो ये किसने स्क्रैच मार दी भाई, चलो कोई नहीं। तो भाई एक बार मैं राघव को कॉल कर लेता हूँ, वो चलता है या नहीं चलता, चलेगा तो उसको उठा लेते और फिर निकलते सीधा अपनी बाइक में हवा भराने, है ना। तो भाई राघव भाई मिल जाएंगे हमें घर के बाहर, अपने बात हो चुकी है, तो एक बार चलते हैं अब जल्दी से। आए हाय बुलेट किस तरह नहीं चलेगी भाई, कैमरा बंद करके फिर चलानी पड़ेगी, है ना। चलो भाई, तो भाई राघव भाई को उठा के सीधा पहुंच चुके हैं अपना भाई पंचर वाले की दुकान पे, एक बार भाई ट्राई कर रहे हैं इसमें हवा भर जाएगी तो, भाई नाइट्रोजन भर रहा है तो। नहीं भर रही भाई, अरे इससे नहीं भरेगी वही भर, हाई प्रेशर नहीं भरेगी भाई वही भर, हाई प्रेशर लगा। तो भाई एक बार ना इससे ट्राई कर लिया, इसमें ना कंप्रेसर होता है इनमें, तो एक बार ना ये सिलेंडर देख रहे हो ये वाला, ये भरता भाई तगड़ी एकदम, बहुत ज्यादा हवा निकालता है इससे, भरेगी इसमें हवा। पहले मैंने तब ये इसमें डलवाए थे ना तब इससे ही भरी थी उसने, अब भी उससे ही भरेगी, एक बार इसको चेक कराऊंगा भाई इसमें हवा निकलती कैसे, है ना। तो भाई ये वो सिस्टम है, इसमें देखो कोई नोजल वगैरह नहीं होती, ये डायरेक्ट ऐसे लगता है, इनका ये कुछ जुगाड़ है। ओए टायर मत फाड़ दियो, चल आराम से खोल, फाड़ मत दियो। तो भाई फाइनली अपनी बाइक में ना फॉल्ट पा चुका है भाई, हवा निकल रही, देखो इसकी ना जो नोजल है ना खराब है, निकल रही ना मैं बोले, ये चेंज करा लेंगे इसकी, फिर हवा नहीं निकलेगी, है ना। देखिए भाई कौन सी बैटरी इनमें, सेम है दोनों है, सेम नहीं, ये लोकल है, ये ओरिजिनल है, ज्यादा कितना भारी का, ये बढ़िया है। हां चलिए गियर दे भाई, हां अपना कालू। तो भाई अपनी जो पुरानी थी ना खराब वो ये रही भाई, इसके ना वाल वगैरह कट गए थे, वाल वगैरह भाई वैसे नए नहीं डलते, ये पूरी नई डलती है, और न्यू है जो राहुल तो भाई शर्मा है,
काका भाई, काका गाना सुनाइए वा बग्गे बिल्लियों दी। तो भाई अपनी जो हवा है वो कराएंगे इसमें 35, अभी कितनी है 5, 5 हवा है इसमें। चलो भाई अपनी भाई न्यू नोजल इसमें लग चुकी है, अब एक बार इसको चेक करेंगे लीक है नहीं। पहली तो लीक थी है ना, दिखाई थी तुम्हें अभी, अभी देखते हैं भाई। राघव भाई लग रहा है अपने पबजी में भाई, पबजी प्लेयर बन गए क्या? ओ भाई 15 प्रो में पबजी भाई तगड़ा तो चलता होगा। ला भाई कॉल आ गया, ओह शिट, अपनी नोजल है ना जो न्यू वाली, सही भाई गिर पानी, ये नहीं है भाई लीक भाई, ये हो भी नहीं सकती लीक। हां ये ओरिजिनल है यार, मतलब सही है, इसकी क्वालिटी अच्छी है उससे। वो लोकल थी ना? यही वाली तो डल रही थी पहले यार, ये जब मैंने टायर डलाए थे ना पहले भाई, ये उसी ने डाली भाई, नोकल है ये टायर के साथ ना, लोकल ही आती है। हाँ इसकी कैप तो अच्छी लगती है वाली, इसकी कैप थोड़ी अच्छी नहीं लगती। चल कैप तो मेरे पास पड़ी है इसकी पुरानी, वही डाल देंगे है ना। तो भाई अपने टायर हो चुका है सेट, अब चलते हैं भाई घर से जल्दी से, अभी तो बुलेट का भाई सामान भी सही करना है। तो भाई फ्यूल वगैरह अपना हो गया कम्प्लीट, पहुँचते सीधा घर। भाई घर पहुंच चुके हैं और स्प्लेंडर जो अपनी, उसके टायर में भाई हवा वगैरह सेट हो गई है। और भाई ये सही है, मैंने चेक करा ली भाई इसकी ना, ये नोजल ख़राब थी भाई है ना, ये सही हो गया अब अपने टायर में, अब हवा नहीं निकलेगी। पहले मैं सोच रहा था भाई रिम, अपने रिम में भाई ना प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो मैं सोच रहा था इसकी वजह से निकलती बट अपनी वो ख़राब थी। तो भाई एक बार ना इसको थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा मार देते हैं, थोड़ा साफ़ कर देते हैं और फिर अपना जो बुलेट का सामान है ना उसको सही करेंगे। और भाई अपनी ना लाइट चेंज करनी पड़ेगी यार, देखिए ख़राब हो गई है ना, तो ये चेंज करेंगे। तो एक बार इसको थोड़ा सा साफ कर देते कपड़े से और फिर अपना जो बुलेट का सामान है ना ये पड़ा है जो, इसको थोड़ा साफ सुथरा करके फिर रखना है ना बढ़िया। कल तो ऐसी जल्दबाजी में रख दिया था ये, बट अब साफ करके फिर रखेंगे। पहले बारी अपने साइलेंसर की है ना, दोनों साइलेंसर अपना बैंड पाइप है जो, और अपना ये शॉर्ट बॉटल दोनों को साफ करेंगे पहले। अभी इनकी कंडीशन देखो कैसी है ना, पहले इनको वॉश करते हैं और फिर अपना बफिंग पाउडर से क्लियर कर देंगे है ना। ये देखो ब्लैक ब्लैक सो रहा है, बिल्कुल साफ कर देंगे नए जैसा, अंदर से तो नहीं होगा बार बार से तो सारा ही कर देंगे ना। तो करते भाई इनको जल्दी से, ये अपना जो वो सामान था ना साइलेंसर वगैरह वो हो चुके, और अब बारी भाई इंजन की, इंजन को ले चलते बाहर, इससे खिचड़ के ले जाएंगे है ना। ये मैट है ना जो, मैट को ही खींच लेंगे, इस पे ही चला जाएगा, ये सामान हटा देते हैं। भाई अपना बुलेट का जो इंजन है भाई आ चुका है, बट पहले इसको ना वॉश करेंगे भाई पेट्रोल से, क्योंकि इसका जितना भी है ना सब ऑयल वगैरह जो लग रहा है ये सब इसका पेट्रोल से हिसाब होगा भाई, शैम्पू से नहीं होगा है ना। पहले इसको सारी को वॉश करेंगे भाई पेट्रोल से और फिर करेंगे शैम्पू से। अपना इंजन है जो वॉश हो चुका है और भाई पहले से ना ज्यादा साइन आ गया है, बट इसमें ना कल बफिंग करेंगे। और पहले से तो सही है, पहले थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा हो रहा था और पहले से सही है, और इस पे ना कल बफिंग वगैरह करेंगे। अभी तो इसको साफ करके थोड़ा और रख देते हैं, और अपना जो साइलेंसर वगैरह है ये भी अपने साफ सुथरे हो गए है ना। तो अब इसको रख देते भाई थोड़ा पानी वानी साफ करके, और फिर कल इस पे करेंगे बफिंग ठीक है। और अपने पास ना अभी वो बफिंग वगैरह की वो भी नहीं है, जो भी उसका सामान होता है मटेरियल वो सब कल लेके आएंगे, क्योंकि कल अपने जो नट बोल्ट थे ना जिनको हम कल जिंक के लिए डाल के आए थे वो भाई कल मिल जाएंगे अपने को, पर पेंट अभी नहीं मिलेगा, पेंट का सामान अभी नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें लगेगा भाई हफ्ता भर, 25 तारीख को वो कह रहा है, बट देखेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो जल्दी ले आएंगे, वरना 25 तारीख को ही ले आएंगे है ना।
तो इसको रखते भाई जल्दी से अंदर, और कल करेंगे इस पर पफिंग वगैरह, पफिंग करके इसको ऐसा साइन करवा देंगे ऐसी। ये चमक रहा है ना नया, बिल्कुल ऐसा चमका देंगे है ना। तो जल्दी से रखते भाई इसको, और अपना न्यू हो गया सार सामान सार। भाई साइलेंसर देख रहे हो क्या साइन मार रहा है अभी, तो इस पर बफिंग पाउडर भी नहीं लगा है और अभी साइन है देखो भाई। तो भाई अपना जो टोटली सामान था ना जो हमने वॉश किया था वो ये रहा भाई, साइन देखो कितनी तगड़ी मार रहे हैं, मार रहे हैं ना साइन। इंजन भी अपना वॉश हो चुका है और साइलेंसर वगैरह शॉकर वगैरह सारा टोटली सामान मैंने वॉश कर दिया, ठीक है। साइन मार रहा है भाई बढ़िया, बट अभी ना इन पे वो नहीं मार रहा है, मैंने बफिंग पाउडर साइलेंसर पे भी नहीं मारा, मतलब जितने भी अपने वॉश किए थे ना अभी किसी पे नहीं मारा है बफिंग पाउडर। बफिंग पाउडर मारेंगे कल, क्योंकि कल मैं ना इंजन पे बफ भी करूँगा, वैसे तो मेरे को आती नहीं है बट थोड़ा ना यूट्यूब से ज्ञान ले लेंगे, देख लेंगे कैसे होती है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है बट देखेंगे जो भी है। कल बफिंग लेके आएंगे, मशीन तो मेरे पास है बफिंग जो भी होता है वो मटेरियल वो ही बताएंगे भाई, जो देगा है ना कैसे कैसे होता है उससे ही पूछ लेंगे। तो भाई इस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड, और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपना सामान देखो कैसे फैला पड़ा भाई, बैटरी वगैरह सब कोई नहीं भाई, बहुत जल्द अपनी बुलेट अब कंप्लीट हो जाएगी है ना, खुल तो गया ही अपना सामान, तो अपना बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे इसको।